नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में पहुंच चुके हैं। नीमच जो कृषि उपज मंडी है, पिछले दिनों का आज जो बंपर आवक देखी जा रही है, जहां नीमच कृषि उपज मंडी के अंदर कैंपस के अंदर माल भरा हुआ है किसानों का लहसुन, वहीं बाहर भी वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। जो CRPF गेट है वहाँ तक लगभग स्थिति ये बन रही है कि डबल लाइन है, तो वहाँ तक आराम से वाहनों की कतार ट्रैक्टर इधर जो स्टेशन रोड है वहाँ पर भी देखी जा रही है। दामों की बात करें आज जो है दोनों ही क्वालिटी में लगभग 200 से 300 रुपये देखी जा रही है दोनों की अपेक्षा। हालांकि जो दाम औसत देखे जाए स्थिर बने हुए हैं। हमारे साथ नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी का जो तीसरे नंबर का छपरा है उसमें बैठे हैं। दाम जैसे ही हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, अब कुछ किसान भाई है उनसे जानेंगे कि वो कब आए और क्या क्या दिन रात में उन्होंने किया, क्योंकि तकरीबन नीमच मंडी में एक और दो दिन का इंतज़ार लोगों को करना पड़ता है अपने उपज की नीलामी के लिए, खास तौर से लहसुन की नीलामी के लिए। तो भैया कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, इन्हीं से जाने। कहाँ से आया दादा? ग्राम बोरखेड़ी तालाब। अच्छा, आज क्या लेके आए आप यहाँ? सर हम लहसुन लेके आए थे, कल शाम को आ गए थे करीबन 3-4 बजे के लगभग। कौन सी क्वालिटी की लहसुन? सर देसी है, ऊँटी भी है। ऊँटी भी है, हाँ। तो क्या उम्मीद लग रही, कहाँ तक चली जाएगी दोनों? सर वो तो माल के ऊपर डिपेंड करता है, बड़ा है 20-22-24 और मीडियम है जो 15-20 लेकर, और जो बारीक माल है ये चला जाएगा 10,000-12,000। ठीक है, देसी है ये, ऊँटी है सर, छोटा ऊँटी है, निकला हुआ है सर्री माल। तो कुल मिला के अभी जो दाम मिल रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है? संतुष्ट हम इस दाम से, और मुझे लगता है कि आगे भी बढ़ सकता है मार्केट, मतलब आने वाला समय और अच्छा है। इस मतलब ये जो भाव है इससे हम संतुष्ट है, किसान अच्छा भाव है। अच्छा भाव, इतने पिछले सालों मतलब दो तीन सालों के देखते हुए तो ये साल अच्छा है। बीच में 2 साल पहले की बात है कि लोगों को फेंकना पड़ रही थी। उन सालों से तो कई गुना अच्छे भाव है और किसान लोग इससे संतुष्ट है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप रात शाम को आ गए थे कल, ठीक है, दिन में आ गए थे, तो ये दिन भर करते क्या आप यहाँ मंडी में? कुछ नहीं सर, बाहर ट्रैक्टर लाइन लग जाती है। हाँ। तो ट्रैक्टर में खड़े रहते टाइम पास, तो सर बैठे रहते ट्राली में, मोबाइल चलाते बैठे रहते, फिर और मंडी में आ जाते हैं, लाइन लगती है, फिर रात को आ जाते हैं। सबसे बड़ा कारण है सर यहाँ पे कि लाइन जगह पहले रोक लेते हैं यहाँ, मतलब अंदर जगह अंदर। हाँ, ये सबसे खराब नियम है नीमच, मतलब जगह रोकने से आशा में समझा नहीं कैसे जगह सर, ये मतलब ये है कि किसान बाहर ट्रैक्टर खड़े हैं, अंदर वाले ही कॉन्टेक्ट करके अंदर पहले जगह रोक लेते हैं। कौन लोग करते हैं कॉन्टेक्ट? कौन लोग सर? ये मंडी की कोई किसान बाहर से आता है, कोई हम माल है ये। वो कुल मिला के फिर जो बाहर किसान है, हाँ, उसको जगह नहीं मिलती, उसको जगह नहीं मिलती, मिलती है तो बहुत धक्का धीम करके, फिर लड़ाई झगड़ा वो तो होता है बोलचाल, उसके बाद जगह थोड़ी बहुत मिलती है। मतलब जो अंदर वाले ही, हाँ अंदर वाले ही जगह रोक लेते पहले, तो वो उसके एवज में कुछ लेते होंगे फिर तो? क्या पता सर, वो तो वो जाने तो उनका काम जाने। अपन आज वैसे मैं जगह रोक के रखूंगा तो किस, मेरे पास तो लहसुन ही नहीं, क्या करूँगा, किसी ने किसी को तो जगह देनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, तो वो कुछ होता होगा उनके अपने, हाँ, नहीं पता, अपने अपनों ने ये कभी किया नहीं। नहीं ना, अपन ने नहीं किया, पर हाँ, इस वजह से मतलब, हाँ होता ही होगा कुछ, 5 किसानों को तो लाभ मिलता है लेकिन जो बाकी जो 100 किसान है वो तो परेशान हो रहे हैं ना। हाँ हाँ सही, हम 12-3 बजे आ जाते हैं और ये अंदर पहले जगह रोक लेते हैं, फिर हम रात को घुसते 7-8 बजे जब भी गेट खुलता है, फिर हमको यहाँ जगह नहीं मिलती, फिर भटकना पड़ता है, वो बाहर खड़ा करो, इधर करो, इधर करो, ये सब। तो अभी तो रात भर कैसे गुजारते हो, क्या करते हैं रात भर? सब बिस्तर लाते हैं। अच्छा, तो ट्रोली में जगह करके फिर सो जाते हैं। यहाँ वो चोरी चकारी का डर रहता है? चोरी चकारी का तो कम है, ज्यादा नहीं है, मतलब कुल मिला के नींद निकाल सकते हैं। हमारी ट्रोली उधर खड़ी थी, बक्से इधर पड़े थे, कुछ दिक्कत नहीं, हम उधर सोए थे हम। अपन कहाँ से भैया? अपन एक ही गांव से, साथ में। आप कोई लहसुन लेके आके साथ में? लहसुन है ना, लहसुन है, ऊटी है, ऊटी है। ठीक आ रहा है दाम अभी? ठीक है अभी तो मजे। नाम क्या आपका? सुनील कुमावत। तो कौन सी वैरायटी की लहसुन है आपके पास? ऊटी है, देसी है। एक और स्मार्ट पर्सन आया दादा, क्या नाम है? मनोज धागड़। धागड़ साहब, क्या चल रहा है लहसुन में? लहसुन में क्या बताएं, किसान इतना परेशान है। कैसे परेशान? अभी तो खुश दिख रहे हैं, लहसुन भाव जोरदार है, भाव बिल्कुल बिक रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन लहसुन तोल कहाँ पे रहे हैं? 3-3 दिन के बहाने बना रहे हैं वहाँ पे, अभी कल से पड़ा है लहसुन, वो अभी तक नहीं तोला है। आपका? हाँ। कब आए थे आप? कल आए थे। अब ये भी कल आए, अभी नंबर आएगा ना धीरे धीरे।
वहाँ पे कल से हमारा लहसुन पड़ा जो नहीं तोला, और जो आज गाड़ी अंदर पड़ा था और जो आज गाड़ी आई उनका बिल ले लिया। कब से आप परसों के दिन आए थे क्या? नहीं कल ही आए थे। कल आ गए थे, कल एंट्री मिल गई। कितनी बजे घुस गए थे मंडी? सुबह घुस गए थे। कल सुबह आ गए थे तो लोग सुबह का माल अभी तक नहीं तोला, और वो कार्टून को हमने तोक तोक के चार बार जगह चेंज कर दी, फिर भी माल नहीं तोला है। तो जगह चेंज करने के चक्कर में तो नहीं हो गया कहीं गड़बड़? नहीं शुरुआत में पहले जहाँ से करी थे बोले यार यहाँ फिर उठा लिया वहीं शुरू कर दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, जहाँ पर हमारा माल पड़ा था वहीं पे तोले ही नहीं, अब क्या करें, परेशान हो गए। फिर अब क्या उम्मीद लग रही है आज हो जाएगी नीलामी? होगी तो ठीक, नहीं तो हम तो भर के ले जाएंगे वहाँ पर, वो क्या करें। अब कब तक यहाँ पे बैठे रहे? मोबाइल ही डिस्चार्ज हो गए कुछ चलाएं तो अभी। तो कुल मिला के जो किसानों की जैसे दामों की खुशी है, लेकिन जो कुछ अव्यवस्थाएं हैं और खास तौर से